प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के नेता जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में कई नेता अपने विवादित बयानों को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। ताजा मामला यूपी के मेरठ का है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी ने कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने बीते 5 सालों में खूब हिंदूगर्दी मचाई है। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में सरकार ने मुस्लिमों को दबाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए रफीक अंसारी ने कहा, मेरठ का मुस्लिम समुदाय कभी किसी से दबा नहीं, लेकिन इस सरकार ने मुस्लिमों को दबाने का काम किया है। उसने इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू वर्दी मचाई, उन्होंने हर थाने में हिंदू वर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा मेरठ के अंदर। साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है, लेकिन इस सरकार से लड़ने के लिए कोई ताकत हमारे। सपा नेता के इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मेरठ के मुसलमान नौजवानों को कभी दबाया नहीं गया, लेकिन भाजपा ने आपको दबाने की कोशिश की। हालात ठीक नहीं है, उनकी सरकार बनी तो मेरठ में गुंडे होंगे, इस सरकार ने आपको दबाने, कुचलने और खत्म करने का काम किया है। इस सरकार के हालात बहुत खराब है, लेकिन सरकार से लड़ने के लिए कोई ताकत हमारे पास नहीं है। आपको बता दें कि सपा विधायक रफीक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है और पुलिस ने विधायक रफीक के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। ये मेरठ नगर क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा अभी परसों रात की ये घटना है कि एक वीडियो उनके द्वारा उस पर कुछ बयान दिया गया, वो वीडियो आज वायरल हो गया, उसका परीक्षण किया गया तो उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जो कि जो है आचार संहिता के उल्लंघन की और आईपीसी के उल्लंघन की श्रेणी में आना प्रतीत हो रहा है। लिहाजा इस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया, धारा 505 आईपीसी का नौचंदी थाना क्षेत्र में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जी, मैंने आपको बताया कि ये नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। जी हाँ, थाना दिल्ली गेट में भी एक अन्य पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध, नगर क्षेत्र के प्रत्याशी हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है। उनके द्वारा एक बूथ पर जहाँ पर मतदान होना है वहाँ पर एक सभा की गई थी जो कि प्रतिबंधित है, जिस पर जो एतराज़ किया गया और इसकी जानकारी आने पर एक अभियोग धारा 188 आईपीसी का उनके विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मेरठ से माय भारत के लिए आदिल रहमान की रिपोर्ट।